मरहूम एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल केस में FIA की तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िम यूट्यूबर यासर शामी को बेगुनाह करार दे दिया। FIA ने मुकदमे का ज़िमनी चालान अदालत में पेश कर दिया। FIA के मुताबिक यासर शामी के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं। मुद्दई मुकदमा दुआ आमिर के वकील ज़िया अवान और दानियाल के वकील लियाकत कबूल ने ज़िमनी चालान पर एतराज़ किया। ज़िया अवान एडवोकेट ने कहा कि FIA मुकदमे के हतमी चालान में यासर शामी को मुल्ज़िम करार दे चुकी है। हतमी चालान के मुताबिक यासर शामी के खिलाफ शवाहिद मौजूद है। अब FIA कह रहा है कि यासर शामी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, जिस पर लियाकत कबूल एडवोकेट ने कहा कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो वायरल करने का असल मुल्ज़िम यासर शामी है। दानिया शाह का आमिर लियाकत के बच्चों से जायदाद का तनाजा है। दानिया शाह को फंसाने के लिए मरकजी मुल्ज़िम यासर शामी को मुल्ज़िम की फहरिस्त से निकाला गया है। अदालत ने कहा कि मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी।